इसका पूरी पूरी अलफ नंगी करो, इसकी बनाओ वीडियो भेजो, लड़का में पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म पे। किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए? अपोलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कंसर के पास भेज दे तेरे को। क्यों प्लीज मारो एक तरफ, फिर कंप्लेन करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने को बोलती है। कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू। इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की? फिर क्यों करती है, किसके कहने पे करती है? तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर। किसने बोला तेरे को बनाने के लिए? किसने बोला? वार्ड ये सेवनू में तेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लेना है उन्होंने। कौन लड़का है वो, कहाँ का है वो? तू जानती है तभी तो उसको तो भेज रही है वीडियो। शिमला क्या तू कहाँ से है? फिर वो तेरे को जानता, तेरा पुराना यार दोस्त है वो। फिर तेरे को उसका क्या डर की? उसके कहने पे तो इनकी सबकी इज्जत उछाड़ रही है। यहाँ पढ़ता है वो? हाँ। कौन है लड़का वो? क्यों भेजती है उसको इनकी इनकी वीडियो बना के? क्यों भेजती है? वहां तेरा पुरुष में केस दे रहे डीएसएलओ वालों ने, हैं? तू बनाती क्यों है? तेरे से उस लड़के का नंबर भी लेंगे, उस लड़के का तेरे से सब कुछ पूछेंगे, उसके घर तक पहुंचना, तेरे घर तक में तेरे को हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रखना। इसका इंसिडेंट रिपोर्ट बनेंगे जो मैं मैडम से बात करती हूँ। क्यों करो मैं प्लीज, क्यों शुरू कर? इतना गंदा काम कर रही है तू, क्या पता तो कब 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 से इनका कर रही है सबका, कब से बना रही है इनकी वीडियो सबकी। मेरे को सच बता, सब कुछ सच बोल दे, यहाँ पे बैठ के सब कुछ सच बोल दे। कौन है लड़का वो, क्या लगता है तेरा? कुछ नहीं लगता, तेरे को जानता है वो। और इन सब ने देखा है, शाहजिया ने भी देखा है। सब तो आपने दरवाजा क्यों बंद किया था इधर का? दरवाजा क्यों बंद कर दिया पुलिस से? वही अब हम लोग को कंप्लेंट करना पड़ेगा। अगर सच बता दो तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, और ऐसा कुछ मत करना हमें बता दो। वीडियो बनाइए, इट्स ओके, इट्स ओके, आप पे कोई प्रेशर होगा, इट्स ओके, वो नहीं है, बनाइए बोल दो, पुलिस से बात जाएगी। फालतू में आपका नाम बनाइए, बट आपने क्यों क्यों एक लड़की हो, आपको नहीं पता? किसी लड़के ने बोला आपको? बाहर से आया होगा बोला, किसने बोला था? मैंने पता नहीं कौन था, पता नहीं। देखो आप सच बता दो, कोई नहीं ऐसे शांत हो गया। उसने आपको प्रेशर किया था, प्रेशराइज किया था ऐसा करने के लिए? एक मिनट, यूनिवर्सिटी का यार देखो आपको कुछ नहीं होगा, पता है? अगर आप बता दे रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा। आप भी किसी टाइम मेंटल में हो, आप ऐसे चुप रहोगे तो और इस तरह करेगा, बाकी लड़कियों को कैसे प्रैक्टिस करेगी? आपको प्रेशराइज ऐसे नहीं कर, प्रेशराइज आपको किस तरह किया? क्या आपने बोला कि आपको ये ऐसा एक्शन किया? ये नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं उसने ये क्या किया? आप चर्च से बात कर रहे हो? आपने इसको वीडियो और इसको वीडियो भेजी है? आपने इसको Yeah.
बोला कि जो लड़की जिसकी वो वीडियो की है कि हम चाहते हैं उसको खुद लेके जाएंगे हमारे सामने, वो बुलाना पड़ेगा। मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट 7 बजे के बाद कोई पुलिस लेके जा सकती गर्ल्स को। इतने दिन से बात बाहर क्यों नहीं निकली फिर? कितने दिन से? 4 दिन हो गया ये, आज भी हुआ फिर भी क्यों नहीं पता चला? आप लोगों को रियलिटी नहीं पता है, आप लोग सुनी सुनाई बातों के ऊपर वो कर। हमें इतना लेट क्यों पता चला? एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ फिर एक्शन? एक्शन क्यों नहीं हुआ? हमें अब क्यों पता चला? हमें 10 बजे 11 बजे रात को पता चल रहा है, इतनी लेट क्यों? वो तो आपको पता चल रहा है। क्यों एक्शन क्यों नहीं हुआ? इतनी हो गया था बच्चे, आप कुछ नहीं हुआ था। हमारे सामने लड़की को निकाला गया पेशेंट बना के, छुपा के क्यों निकाला? वीडियो क्यों डिलीट किया फिर? वार्डन ने भी डिलीट किया, जिस वार्डन करा रहे हो मैम, वार्डन हमारे सामने खड़ी थी। ये होती है, ये तमीज होती है, शर्म है हम क्या सही किसी भी? आप ये बताइए बॉयज घूमते 9 बजे तक, लड़कियां 7 बजे अंदर क्यों? नहीं सेफ्टी हॉस्टल में भी सेफ नहीं है लड़की, तो बताओ क्या करें? आपकी वार्डन कहाँ सो रही थी उस टाइम पे? तभी सब खो रहा था, लेट हो जाए उनको भी। हमारे घर वालों को फोन जाता कि आप 7:15 पर 3 बार लेट आए, 7:15। बात तो सुन लीजिए बेटा, मैं एसपी रिटायर्ड हूँ, मुझे तारीफ कर, मैं आपको बोलता हूँ क्या किसी बाहर के बंदे ने गलत किया? बीच में से उसको अरेस्ट करवाना होता है, अरेस्ट हो गई, वो ले गई पुलिस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो गई। और ये कुछ आपका मामूली मामला नहीं है, सीरियस मामला है और पुलिस हमेशा सीरियस ही लेती है। नहीं पुलिस ने दी, सीओ वाले ने दी, सीओ वाले ने दी, सीओ को भी खरीद लेके पैसे के, पता है ये कितनी बातों को दबा दिया गया है? ये कोई पहली चीज नहीं है, सबको पता है, कोई नया नहीं है यहाँ पे। इतनी बातों को दबा दिया गया है, इसको भी दबा दिया जाएगा। मीडिया को वापस भेज दिया, उन्हें पैसे देके पुलिस को वापस भेज दिया, और इनका क्या प्रूफ है, उसके क्या एक्शन होगा? हमें बोला था वीडियो दी जाएगी हमें, और माइक के अंदर जाएगी लड़की और कन्फेशन लेके, कुछ नहीं हुआ। सुन लीजिए, सुनो मेरी बात, पीछे क्यों हटे थे? हम हटे थे पीछे करके, वो अंदर जा माइक लेके, कुछ नहीं हुआ ऐसा। अगर आप लड़की हो ना, मेरी बेटी है, सुनो एक बात सुनो, लड़कियों की कोई मॉडेस्टी होती है कि नहीं? थोड़े से दिखा लेना, दिखाई उस टाइम पे, उसने दिखाई टाइम पे, उस लड़की ने दिखाई तब वो वीडियो बना रही थी, तब ना थी उसकी, जो भी नाम था मेरे को नाम बताएगा, आप भी सब देखेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन। अच्छा ना, इसका जरा वो भी देख लेंगे सर क्या होता है, देखना कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ओ भाई वीडियो बंद कर, ओ वीडियो बंद कर, वीडियो बंद कर, ओ वीडियो बंद कर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जो हाल ही में जो खबर निकल के सामने आई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़कियाँ जो हैं कहीं ना कहीं अंदर लॉक्ड हैं, और जो लड़के हैं वे हॉस्टल के बाहर पूरे तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई आपको पता होगा कि चंडीगढ़ में कैसी घटना सामने निकल के आई है, जिसमें 60 से ज़्यादा लड़कियों के जो वायरल MMS किए गए हैं उनका नहाते समय वीडियो बना के रिकॉर्ड किया गया है। सो वीडियो क्रेडिट जाता है हिमांशु दीक्षित जी को, इस पे डालती थी और अपने बॉयफ्रेंड को देती थी, और ऐसा कर करके वो 1.5 लाख रुपए कमा चुकी थी, और वार्डन का भी इसमें हाथ था। तो एक लड़की है जिसका वो MMS बनाई थी, तो विक्टिम गर्ल के किसी फ्रेंड ने देख लिया, उसने उसे इन्फॉर्म किया, तो विक्टिम गर्ल ये बात जा करके वार्डन को बताई, तो वार्डन उसे थप्पड़ मार के कह दी कि क्या बोलते हैं बात फैला क्यों रही हो। तो लड़की जिसे थप्पड़ पड़ा था वार्डन से, उसे पैनिक अटैक आ गया और वो ICU में है अभी, बहुत सीरियस कंडीशन में। तो अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत तगड़े, कैंपस में 5-6 एम्बुलेंस की गाड़ियां आई, बहुत सारी लड़कियां पैनिक अटैक से बेहोश हो रही, एक लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, एक शायद मर भी गई है जैसी खबर मिली है। और रोड पे प्रोटेस्ट हो रहे, पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, कंडीशंस बहुत सीरियस हैं। अरे ये जी का वास्ता नहीं, लगे नहीं बता रहा है।